हम जो है एमएसपी के नीचे नहीं बेचेंगे, राइट, एमएसपी के नीचे खरीदेंगे ही नहीं, राइट, कंज्यूमर को 2 एमएसपी पे बेचेंगे और कंज्यूमर में परचेजिंग पावर डालेंगे, राइट। तो वो जो है ना, सब्सिडी पे डिपेंड करने की बजाय परचेजिंग पावर पे डिपेंड कर, राइट, सही चीज तो एक ही है ना। अच्छा, दूसरी बात है, देखा जाए सब कुछ यहीं का है, यहीं दे रहे हो आप। हाँ हाँ, सही तो बात, परचेजिंग पावर क्या अपने जेब में लेके आए थे आप? नहीं, ये तो आपको वो तो जहाँ आए हो वहीं से खरीद रहे हो, उसी को दे रहे हो। सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब अज्यूम करिए कि यदि हम जमीन का हर इंच पॉजिटिवली पहले अपना प्राइवेट वाला यूज करें, ठीक है ना, सरकारी वाले जाओगे तो ढेर सारे पैच लगेंगे, वो उसको एग्री करना चाहिए, उसमें 25 कंडीशन लगा देंगे तो वो जमेगा नहीं। ना ना, अपन को पहले कहाँ करना चाहिए? अपने निजी जमीन पे, राइट राइट राइट, ठीक है ना। अब निजी जमीन पे अपन को सब तरह के पेड़ लगाना है मालूम, ठीक है ना। तो अब पेड़ लगाने के लिए हमें एक ये ज्ञान चाहिए कि किस क्लाइमेटिक कंडीशन में कौन सा पेड़ बनेगा, राइट। हम उनकी ढेर सारी नर्सरी पैदा करें, हम एस्टिमेट करें कि पूरे जितने भी जगह है हमें टोटल पेड़ कितने चाहिए होंगे, वो पेड़ हम कितने समय में जो है ना पैदा कर पाएंगे, राइट। फिर एक ट्रांसपोर्ट उनको उस जगह पहुंचा देता है जहां उनको लगना है। एक तीसरा जो है ना, लेबर ग्रुप जाता है जो मशीनों के साथ वहां पे अच्छे से स्मार्ट से गड्ढे कर देता है, राइट 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 राइट। जब पौधे छोटे हैं तो हम बीच की जगह में सब्जियां भी लगा सकते हैं, वी नीड नॉट टू लीव इट एज इट इज, ठीक है ना। हम जब वो पेड़ बड़े हो जाएंगे तो मल्टी लेयर्ड प्रोडक्शन उसमें कर सकते हैं। चारों तरफ जो है हम एक खाई टाइप की बना सकते हैं जो 10 फीट गहरी हो, जो पानी को अंदर ले जाने का काम करे। अब वो पानी को अंदर भी ले जा रही है, वो मछलियों को भी पैदा कर रही है, वो एक्वा प्लांट्स को भी पैदा कर रही है, जिनमें से अधिकांश जो है प्रोटीन रिच होते हैं। तो चाहे मछलियां हो वो भी प्रोटीन रिच होती हैं, चाहे अलगे ही हो या दूसरे वाटर प्लांट्स हो, दे आर रीजनेबली रिच इन प्रोटीन, राइट, क्योंकि वो डायरेक्टली जो है ना सूर्य एनर्जी को यूज करते हैं और पानी के और उसके माहौल के कारण उनकी कैपेसिटी टू क्रिएट प्रोटीन इज हायर देन एनीबॉडी एल्स, राइट। ठीक है, अब जो खाने लायक है उसको मनुष्य के जो है ना भोजन में कर दीजिए, जो खाने लायक नहीं है जानवर खा सकता है उसको जानवर के भोजन में कन्वर्ट कर दीजिए, जो जो है कोई नहीं खा सकता उसे गोबर के साथ मिला के खाद में कन्वर्ट कर दीजिए। अच्छा, अब ये बताइए, आप भी एक बड़ी प्रोड्यूसिंग मशीन है, आप जो यहाँ पैदा हो रहा है वही खा रहे हैं, राइट। आप उसको खा के आपके दिमाग में जा रहा है तो आपको विचार और सोचन शक्ति मिल रही है, राइट। फिर उससे आपके दिमाग का जो है ना बदन में ताकत आ रही है, आपके पैरों और हाथों में ताकत आ रही है, इससे आप ह्यूमन लेबर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। अब उसका कुछ हिस्सा जो है वो डाइजेशन के माध्यम से बाहर निकल रहा है, जिसे हमने एक बड़ी लायबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि हमने चारों तरफ केमिकल डाल दिए, राइट। अब हम उसी को यदि एंजाइम डालना चालू करें, माइक्रोब डालना चालू करें, जैसे मैं आईजी ऑपरेशन कश्मीर था तो जो अमरनाथ यात्रा है वो मेरे सुपरविजन में ही होती थी। अमरनाथ यात्रा, यस यस, राइट, वेरी गुड। तो उसमें जो है ना इतने सारे लोग आते थे, इतने सारे लोगों का वो रहता था, तो हम लोगों ने माइक्रोब्स का यूज किया था उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो माइक्रोब्स क्या करता था, उसमें बदबू नहीं आती थी, माइक्रोब्स जो है ना, और माइक्रोब्स को हम रोज कल्चर कर लेते थे, तो हमारी एक बार कॉस्ट आई, इसके बाद कॉस्ट भी नहीं आई, ठीक है ना। हम उसको बढ़ाते जाते थे, उसमें जो है ना थोड़ा सा ईटेबल डाल देते थे तो जिससे वो एंजाइम बढ़ते जाते थे, राइट। और उससे कोई बदबू नहीं आई, और वो जो जितना आपका एक्सक्रीटा निकल रहा है वो आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यदि हमने ठीक टेक्नोलॉजी का यूज किया तो वो मीथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, सीएनजी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो जो है ना आपका मैनुअर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कोई भी चीज आपकी वेस्ट नहीं जा रही है, जानवर खा रहा है तो उसका गोबर आपका जो है ना मैनुअर में कन्वर्ट हो रहा है, पेड़ उग रहे हैं तो उसकी पत्तियां, तो जिस प्रकृति की हर चीज उपयोगी है और एक दूसरे को रीइन्फोर्स कर रही है, वहां गरीबी कैसे हो सकती है? गरीबी हमारी सोच की है। भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही, 100% हम इसी काम में लगे हैं कई सालों से, हम वही एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, तो और इसी वो जरूरी, आप जैसे लोग हमें आगे मिल गए तो हमारा अपने को रास्ता बढ़िया बन जाएगा। देखिए मेरा जो है क्या सोचना था,
यदि आप कुछ हमारे वीडियो देखेंगे तो हमने उनका नाम ही रखा है स्केयर सिटी टू अबंडेंस। तो हमने उसमें हमने क्या कॉस्मिक सोच ने कुछ ऐसा मुझे ज्ञान दिया कि स्केयर सिटी के लिए दो चीजें जिम्मेवार हैं। एक जिम्मेवार है इसी संदर्भ में हम आप सोच रहे संडे को आपका 11 बजे से हमने 1:30 बजे तक का प्रोग्राम रखा है घर पे। अच्छा ठीक है। तो उसमें क्या है कि हमारे साथ एक राजेश सिंह है वो भी आध्यात्मिक में काफी अच्छा है, मर्चेंट नेवी में है वो। ओके। तो वो उसके साथ वो ये भी काम कर रहे हैं उनका। ओके। भी हमारा एक प्रोजेक्ट है स्मार्ट विलेज के नाम से हमने बनाया है तो वो उसको भी दिखाना चाहेंगे। अब हम लोग जो है ना स्मार्ट विलेज वगैरह यूज करना बंद करते हैं, अब हम उसको आदर्श गांव कहना चाहते हैं। आदर्श गांव हम जो चेंज करेंगे जिनसे मैंने सोचा है उसको हम चेंज करेंगे। वो स्मार्ट विलेज कहीं ना कहीं अंग्रेजियत ला देता है। तो हम जो है संडे को लंच हमारे यहीं रहेगा तो हम अभी उसके प्रोग्राम चौट कर रहे हैं तो कल तक हम फाइनल कर लेंगे। उसमें एक काम आप और करिए यदि हो सकता है तो। हाँ बोलिए। उसमें कुछ एग्रीकल्चरिस्ट को जोड़ो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मिल सकते हो जो एक आध दो राइट। हाँ जी हाँ जी। कुछ एग्रो इंडस्ट्री के यदि कोई एक आध दो लोग हैं जो कि एग्रो इक्विपमेंट बनाते हो उनको जोड़ो, ठीक है ना। देखता हूँ। हाँ, यदि कोई ब्रीडिंग रीडिंग से जो है ना गाय की ब्रीडिंग और इस तरीके के सेंटर से एसोसिएटेड हो तो ऐसे लोग को जोड़ो। ठीक ठीक है ठीक है ना। और जैसे किसी के पौधों की नर्सरी वगैरह टाइप का हो उसको जोड़े, ठीक है ना। और हरे हर क्षेत्र के लोगों को एक एक जो नहीं उसको फिर अपन टास्क देंगे, मतलब उसको अपन ये टास्क देंगे कि हम उनसे क्या चाह रहे हैं। देखो जैसे एक्चुअली में क्या है, अभी हम अपनी एनर्जी नेचर के विरुद्ध लगाते हैं। नेचर के विरुद्ध क्या है कि जो पेड़ केवलार में पैदा होता है हम उसे भोपाल में पैदा करने की कोशिश। अब इस क्लाइमेट में जो होता है वो वहीं होने दो। नहीं तो मेरा ये कह रहा है जब पूरा भारत आपका है तो जो सेंट्रल रीजन में अच्छा हो सकता है वो शेष रीजन में होने दो, जो नॉर्थ ईस्ट में होता है वहां, और वो इतनी मात्रा में पैदा करो कि न केवल देश के लिए बल्कि विदेश की भी मांग की पूर्ति। जैसे लीची है वो देहरादून में होती है या मुजफ्फरनगर में होती है बिहार में, वही होने दो बाकी मत लगाओ। करेक्ट। और दूसरी बात ये है कि मकान आदमियों के रहने के लिए हम मल्टी स्टोरी मकान पैदा कर रहे, ठीक है ना। हाँ, हाँ। फिर हमने गाड़ियों को खड़ा करने के लिए भी मल्टी स्टोरी पार्किंग बना ली, पार्किंग कर दी राइट। तो हम पेड़ों के लिए मल्टी स्टोरी जो है ना पेड़ों का सिस्टम क्यों नहीं बना सकते, राइट। मतलब बड़े मकान खुल रहे हैं अच्छा, हाँ। अब उसके पर्याप्त उसके साथ और उसमें बीच में जो है पेड़ लग रहे हैं, पेड़ हाँ। के लिए जितनी गहराई चाहिए उतनी गहराई मिल जाएगी। मतलब यदि उसको पेड़ ना लगाएं तो नीचे पेड़ लगा लिए, उसके ऊपर जो है ना वो 8-9 इंच के जो दूसरे पौधे हैं वो लगा लिए, तो उससे हम जमीन का, यदि वैसे तो जमीन की कमी है नहीं लेकिन हम फिर जमीन की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात है कि जो छत है, जो मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं उसकी छत शुड गो फॉर द वेजिटेशन। तो हम टंकियों और फालतुओं में जो जगह घेर लेते हैं हम टंकियों को रीडिजाइन करके उसके किनारे वाले एरिया को टंकियों के लिए यूज कर लें, बीच का लार्जर एरिया शुड गो फॉर द प्लांटेशन, ठीक है ना। गुड आइडिया। अच्छा दूसरी बात है कि जो स्लाइडिंग जो है ना तौर पे हम दीवारों में जो ना गमले बनाए, ठीक है ना, तो उनको देखरेख के लिए आपने खींच लिया तो आपके वो उसमें बालकनी में आ गए वो, राइट। और फिर आपने स्लाइड कर दिया तो वो दीवार पे चले गए, तो दैट विल एड टू द ब्यूटी, दैट विल एड फॉर द प्रोडक्टिविटी, दैट वुड एड फॉर द जो है क्रिएशन ऑफ द ऑक्सीजन, ग्रीननेस, ग्रीननेस आल्सो। हाँ ग्रीननेस और ऑक्सीजन और सब चीज क्रिएट हो। या, 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 या। और जो अपन कह रहे हैं कि साहब हम कॉन्क्रीट जंगल कर रहे हैं तो कॉन्क्रीट जंगल कॉन्क्रीट होते हुए भी इट विल नॉट बी कॉन्क्रीट। मतलब क्यों? क्योंकि हम उसके पूरे सर्फेस एरिया को बल्कि एक्सटेंडेड सर्फेस एरिया को यूज कर ले रहे हैं फॉर ग्रीनरी पर्पज, राइट। तो हम जो है जो वर्तमान जो नेगेटिव चीजें हैं उनको भी हम एज ए रिसोर्स यूज कर पाएंगे और पॉजिटिव वे में और जानते क्या करें उसको, सामने वाले को ज्ञान मत मांगे। मतलब उसकी छत है राइट, उसकी छत जैसे आप कह रहे हैं खेत में हम ज्वाइंट वेंचर करेंगे ऐसे ही हम आपकी छत पे ज्वाइंट वेंचर करें। सही बात है, सही बात है। क्यों? क्यों? क्योंकि आपकी सीमाएं आ जाएंगी। आपकी छत है और आप 80 साल के हैं तो आप तो उस पर नहीं कर पा रहे हैं,
आपको तो अपने खुद के घर की साफ सफाई और अपने मेंटेनेंस में भी किसी पर डिपेंडेंसी हो रही है, और जो आपको ऊपर डिपेंडेंट, जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो रहे हैं, वो शुरू में लॉयल हो सकता है, कब उसके दिमाग में ये बात आ जाए कि हम साहब राम गोपाल जी का गला दबा के इनकी संपत्ति को हड़प लें। राइट राइट, वही हो रहा है। ये तो सामने वाले के दिमाग की बात है ना, हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है उसका, तो उसके ऊपर कंट्रोल है कब उसमें लालच आ जाए। सही बात है। तो यदि हम इसको एक ओवरऑल मैनेजमेंट के तहत कर दें, तो छत आपकी, चाहे आपकी कुछ भी उम्र क्यों ना हो, स्पेशलाइज लोग विद द स्पेशलाइज इक्विपमेंट जाएं, अपना काम करें, चले आए, वो तो दूसरे की छत पे पहुंच गए, तीसरे की छत पे पहुंच गए, तो अच्छा है आपका एम्प्लॉयमेंट जो है ना विल नॉट बी एन इश्यू। और उसको कम पे करने की वो ना रहे, हमें ज्यादा पे करना है, हम ज्यादा रेट पे बेचेंगे ना। देखिए दो चीजें हैं, एक तो है कि लो पेमेंट करके सब लोग लो पे एग्जिस्ट करें, और एक करें कि हायर पेमेंट करके हम सब लोग हायर पे एग्जिस्ट करें। भाई हम यदि सभी को हायर पे कर रहे हैं तो इकोनॉमी विल एग्जिस्ट एट द हायर स्टैंडर्ड ना, ऊंचा हो जाएगा ना। हाँ, दैट इज द प्रिसाइजली द पॉइंट वी आर टॉकिंग। तो हमें सभी स्टेक होल्डर्स को कलेक्ट करना है। अब इस स्टेक होल्डर्स को हम कैसे कलेक्ट करें, तो इसमें जो है सीएफबी डेवलपमेंट ऑफिसर्स जो है ना बनाए जाएं, डेवलपमेंट ऑफिसर वॉलेंटियर बनाए जाए, और उनको एलआईसी की तर्ज पर जो है ज्वाइंट वेंचर क्रिएट करने के लिए, जैसे उसको प्रीमियम मिलता है, ऐसे ही प्रीमियम आपको मिले। तो इसके लिए अपन का गुप्ता जी क्या है, हर संडे वीक में एक घंटा दो घंटा रोज मिलना, हर वीक मिलना पड़ेगा, आठ पांच छह लोग नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात तो अपन को वो फौज क्रिएट करना पड़ेगी। राइट, तो फौज क्रिएट करने के लिए जैसे मान लो मैंने एक वीडियो डाला, राइट, इसी वीडियो में नीचे एक लिंक है कि यदि आप सहमत है तो ये फॉर्म भर दीजिए आप। हाँ सही है। तो उससे क्या होगा कि हमको डेवलपमेंट ऑफिसर मिल गए, राइट, वो आप उनका गांव और एरिया लोकेट कर दिया, तो जाके उनको जो उनके लिए एक मटेरियल तैयार कर दो। वो जाके सेमिनार करें, वो करें, और ज्वाइंट वेंचर डॉक्यूमेंट साइन करें। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर डॉक्यूमेंट भी ऑटोमेटेड कर दो, राइट, कि भाई अल्टीमेटली सेवन सब्सटेंस और टर्म्स एंड कंडीशन तो वही रहने वाली है, तो आपको जो जो चीज चाहिए एक्स्ट्रा वो उसने आपसे ले लिया, नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, फलाना क्या है, ये क्या है, वो क्या है, और उसने उतना ही अकेला आपने दिया, जैसे ही बटन दबाया तो वो डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक, उसमें एक उसके डिजिटल सिग्नेचर हो जाए और आपके डिजिटल सिग्नेचर हो जाए, ठीक है ना। इसके लिए जो है आधार वेस, उसके लिए जो टोकन फीस रहती है उनसे वो अग्रीमेंट करके वो टोकन फीस उनको दिया जाए, और वो डिजिटली लीगली इन्फोर्सिएबल डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। अपन जब तक इस रणनीति से नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई टाइम के साथ है, तो हमारी लड़ाई दो चीजों से है, टाइम के से है और स्पेस से है। तो यदि हमने कम समय में पूरी जगह स्प्रेड कर दिया तो क्यूमुलेटिव पावर विल बी द, हम सबकी शक्ति उसमें जुड़ गई। अदर यदि हम अकेले बढ़ेंगे तो सारा जो जो आपका डेवलपमेंट ऑफिसर है उसको जो प्रीमियम देना वो कहां से आएगा, नंबर वन। नंबर टू, जो अभी प्रोड्यूस कर रहा है उसको पहले जोड़ो, राइट, तो उससे क्या है कि उसके जो आउटपुट है वो आज आपको अवेलेबल होंगे ना सिस्टम में इंटीग्रेट करने के लिए, तो उसी से जो है ना जो प्रॉफिट जनरेट होगी, जो रेवेन्यू जनरेट होगी, दैट विल बी अवेलेबल फॉर सीएफबी फॉर द प्लेसेस जहां पे आप नए प्लांट लगा रहे हैं। नहीं, मार्केट में मान लो कि हम इनके ग्रुप अच्छा है, इनका चालू हो गया तो दूसरे लोग भी जुड़ते जाएंगे, मान लो कि हाँ एक ग्रुप चालू है, बढ़िया काम कर रहा है, तो वो सब जुड़ते जाएंगे, सामने वाले देखे कौन आए, आगे आए। हाँ, मार्केट में आ जाती है चीज तो सब लोग उधर ही डायरेक्शन करने लगते हैं, तो हमें एक मॉडल प्रॉफिटेबल बनाना चालू कर दिया, जोड़ दिया, तो वो लोग दूर से चले आएंगे। यही कारण है कि मैं जो भी बातचीत करता हूँ उसको रिकॉर्ड करता हूँ। अच्छा, और हमारी टीम उसको जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर देती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और नहीं, उससे फायदा क्या है कि जैसे हमारे और आपकी बात है, वो एनर्जी केवल हम और आपके बीच में नहीं रह गई। राइट राइट, मतलब जो भी उसको देखेगा, दूसरी बात है जिसको भी इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा ना, फिर वो सभी वीडियो ऑडियो को देखेगा। सही 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 है, उसको समझ में आएगा कि अरे इस बात में क्या कहा गया, उसमें क्या कहा गया। तो आपको जो है ना फिर हर किसी के साथ उतनी एनर्जी नहीं लगाना है। नहीं, आपको संडे को आएंगे ना। हाँ, तो हमारे साथ दो एक है, राजेश जी हैं, वो आपको फील्ड आपको लगेगा। हाँ, फाइंड तुम बहुत अच्छा लगेगा, ग्रुप बन जाएगा हमारा, आप पांच छह लोगों का। सही है। वी कैन डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, वी हैव टू डू कॉन्क्रीट थिंग। देखिए
हमको करके दिखा के सिद्ध करना है, हमें बातों से कोई चीज सिद्ध नहीं करना। हाँ नहीं वही हमें करके, हम उसी काम में लगे हुए हैं, तो उसी की प्रेरणा से उन्होंने आपसे मिलवाया, उसी प्रेरणा से मिलवाया आपसे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कॉस्मोस सही सही लोगों को आइडेंटिफाई करके पहुंचा देगा। हाँ। और ये छोटे छोटे जो वार्तालाप है, छोटे छोटे जो ऑडियो वीडियोज है, हाँ। वो उस कार्य को करने में सुविधा प्रदान। हाँ, ये तो हमें 10 साल पहले हमारे स्वामी ने बता दिया था कि अच्छा। आप ग्रुप जुड़ते चले जाएंगे तो एक अलग प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। और उसी दिन देखो अरविंद प्रताप सिंह आया, मैं आपको मिलवा दिया, तो उनको भी दिमाग में, उन्होंने भी 3-5-6 दिन बताया, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा प्रताप सिंह जी का जरा मोबाइल नंबर और ईमेल वगैरह जो भी है वो मुझसे शेयर करिए, हमें भेज दो, मैं उनको क्राइम फ्री भारत वाले जो है ना ग्रुप में जिसमें आपको जोड़ा है उनको भी जोड़ देंगे। हाँ वो बता दिया मैंने। हाँ हाँ वो अच्छे अपना स्मार्टफोन नहीं रखते वो उससे। अच्छा अब वो क्या स्मार्टफोन रखते नहीं है, तो मैं दूसरे लोग हैं उनके जो उनका जो नेक्स्ट इन कमांड होगा ना उसका उसका दे दीजिए। हाँ वो हमने दे दिया है, अमन शर्मा करके हैं, उनको दे दिया मैंने। नहीं तो आप उनको उनका मुझसे को शेयर करिए ना उनका नाम, अब वो मैं करा देता हूँ। तो हम उससे क्या करेंगे कि जोड़ देंगे, राइट। और प्रताप सिंह जी से भी हम जो है वीडियो पे बात करेंगे ना, वो किसी दूसरे के फोन से कर लेंगे, जरूरी थोड़ा ना अपने फोन का यूज करें। वो ठीक है। तो उससे क्या रहेगा कि देखिए अभी जैसे मान लो कोई चीज आप ऑर्गेनाइज करते हैं, खाना की भी व्यवस्था कर रहे हैं, फिर इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। मतलब आपने मोबाइल फोन डाला और जितने भी 4-6-10-15-20-25 इतने लोगों को भी जोड़ना है, बिना आने जाने की एनर्जी और बिना उसके, सिर्फ एक कन्वीनियंस। अच्छा वो आदमी फिर वो काम करते करते कहीं पे भी जुड़ सकता है, कोई इशू नहीं है। अच्छा सही बात है। तो ऑनलाइन हम इसको जो है फेस टू फेस मीटिंग को थोड़ा सा मिनिमाइज रखें, वो उसको एक्वेंटेंस और एक दूसरे की शक्ल देख के और एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए तो यूज करें, लेकिन जो ये एनर्जी पैदा करना है, कॉन्सेप्ट पैदा करना है, इसको ज्यादा कोशिश करें कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएं, ठीक है ना। अभी जैसे जो चीज उस दिन बात हुई है वो सब बात अभी अपलोड हो जाएगी। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया। उस दिन भी बात हुई है, वो 4 वीडियो हैं हमने भेजे हुए हैं, वो मेरे ख्याल से संडे वनडे को अपलोड हो जाएंगे। अब इसी टाइम का सतगुरु का भी चल रहा है, उनकी ITI की पूरी टीम लग रही है। सतगुरु तो हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं, उनकी जो टीम लगी हुई सारा सारा कन्वर्ट करती है हिंदी में। इस बात से हम ये ध्यान दें कि हमारी एक टीम होना चाहिए, क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष के लिए है, तो हिंदी और अंग्रेजी में बात करने से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब है वो टीम जो है इसको डबिंग करके और तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, सब में उसको बनाए। हाँ हाँ। और इसके लिए जो है ना संबंधित जगह के बैक ऑफिस हो, उन्होंने डाउनलोड किया, अपना काम किया और करना चालू कर। तो इसी संदर्भ में हमने सोचा है, कल हम डिस्कस किया था हमारा जी से, जो संडे को प्रोग्राम डिस्कस करते हैं, तो मैं फिर देख के फिर आपको कल फोन करके बताता हूँ या शाम को बताता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है। उससे क्या है कि थोड़ा सा कॉन्क्रीट वर्क बनेगा, वो आपके जो आइडिया है, प्रैक्टिकल आइडिया है, उसको जमीन पे उतार सके। नहीं उसमें सोचिए ही है, देखिए उसमें कोई चीज अपन ऐसी कह ही नहीं रहे जो जमीन पे नहीं है, अपन तो जमीन की बातें कर रहे हैं ना। हाँ, जमीन पेड़ लगाना है, ये है ना, फलदार पेड़ होंगे, ये पेड़ होंगे, वो पेड़ होंगे, 10-10 फीट बाय इतने फीट की एक खाई होगी, अभी स्टेटेड लोग हैं उसको सब इकट्ठा करना है, जो अलग अलग काम तो कर रहे हैं सब लोग, सबको एक प्लेटफॉर्म में लेके आना। नहीं उनको हम जिम्मेवारी दें और वो उनको जो जिम्मेवारी मिले उतना ही काम करें। वही वही अदरवाइज क्या है कि हर कोई वही काम रिपीट करता रहेगा, हर कोई भाषण देता रहेगा, तो उससे नहीं चलेगा। वही वही यू राइट। अच्छा दूसरी बात ये है कि हमें अपनी ईगो का और अपने उसका परित्याग करना पड़ेगा, राइट। मतलब जो है वो कॉस्मिक पावर को और कॉस्मिक एनर्जी को और कॉस्मिक सोच को जो है ना प्रणाम करते हुए अपनी ईगो बीच में ना लाई जाए। ना सही कह रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि वो अपनी ईगो ही फिर जो है ना डिफरेंशिएशन प्रोड्यूस करती है, फिर वो करती है। हाँ। यदि हम इतने महान थे, यदि हम इतने बड़े पुलिस ऑफिसर थे, तो हमने जमीन पे क्या परिवर्तन लाया, वो तो नहीं ला पाए। सही है। इसका मतलब है कि जो भी उस समय किया वो अच्छा हो सकता है, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं था कि जमीन में उसका परिवर्तन दिखाई दे। नहीं आपका जो आइडिया जो है बहुत बढ़िया है कि क्राइम फ्री भारत,
तो वो उससे सुपर है कि पूछो नहीं। नहीं देखिए, बिना क्राइम फ्री भारत के तो लोग दुष्टता करेंगे ना। हाँ, तो ना आपका जो है वो एग्रीकल्चर चलेगा, ना आयुष चलेगा, ना ई कॉमर्स चलेगा, क्योंकि लोग उसमें कुछ ना कुछ कार्य करते रहेंगे। नैतिकता, यहाँ नैतिकता आ गई, सब कम हो गया। हाँ, और हम ये हमारा ये मानना है कि नैतिकता नहीं आएगी, नहीं आएगी। हाँ, मैं उसको दूसरे ढंग से कह रहा हूँ। अच्छा, हमारा कहना है कि अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप है। हाँ, जो गैर नैतिकता का आप काम करोगे वो दो मिनट में कैप्चर करके आपके विरुद्ध जो है ना एक्शन ले लेगी, ठीक है ना। नंबर वन, तो उससे क्या होगा, आप मजबूरी में नैतिकतापूर्ण काम करेंगे, मजबूरी में, राइट। अब अपने वेदों में लिखा है कि यदि 21 दिन तक जो कोई काम यदि किया जाए, हाँ, तो वो जो है ना कहीं आपके स्वभाव में इनग्रेन होने लग जाता है, राइट। हाँ, सही सही है। अब यदि उसे हम 90 दिन तक करें तो फिर आपके स्वभाव का चरित्र का हिस्सा बन जाता है। नहीं, आयुर्वेद में जो दवाई मिलती है 21 दिन का कोर्स देते हैं, वो फिर 90 दिन का देते हैं। तो मेरा वही कहना है कि मजबूरी में 90 दिन आपने कोई व्यवहार किया, राइट, क्योंकि आप गलत व्यवहार कर नहीं पा रहे इसलिए आप सही व्यवहार कर रहे हैं। हाँ, वो 90 दिन में 180 दिन में कभी तो आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा ना। ठीक है ना, आप तो हमने आपका स्वभाव बदल दिया। अब भाषण से हम आपका स्वभाव बदलेंगे तो नहीं बदलेगा। नहीं नहीं, नहीं हुआ। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजीज हैं, टूल्स हैं, सब जगह पे हम RFID लगाएंगे, सब जगह पे GPS लगाएंगे। अब जैसे मान लो हमारा एक एक्सीडेंट फ्री भारत भी है, राइट। हमारा कहना है कि एक्सीडेंट करना आपके औकात नहीं होगी, हम आपको एक्सीडेंट करने ही नहीं देंगे। सही बात है। आपका जो है ना सैटेलाइट है, और उससे हम आपका जो है ना इंटर डिस्टेंस ऑफ व्हीकल जो है ना वो करेंगे, तो आज टकराना तो दूर की बात है। आप यदि जो डिस्टेंस है उससे यदि क्लोजर आप चले जाएंगे तो आपको चालान हो जाएगा। जब आप दूर चलेंगे तो आपका एक्सीडेंट कैसे होगा। सही है, राइट। नंबर वन, हमारी जो अभी पॉलिसीज है, जैसे अज्यूम करिए कि ट्रैफिक की लाइट है, राइट। ये ट्रैफिक की, हम इसको ट्रैफिक लाइट विहीन बना देंगे। क्यों बना देंगे? आप जाइए एक जहां पे आपको बिट अवेलेबल है वहां से यू टर्न लेके आइए। इसका मतलब है कि आप जो है कोई क्रॉसिंग नहीं होगी, कोई लाइट नहीं होगी, ठीक है ना, राइट। और जरूरी नहीं है कि हम फ्लाईओवर बनाए, ठीक है ना। हम जो है पर्याप्त जगह पे जहां जगह होगी वहां से यू टर्न बना लेंगे, और यू टर्न के माध्यम से हमें जिस लेन में भी जाना है बिना फ्लाईओवर के वहां पहुंच जाएंगे, राइट। अब आप ये देखिए, एक व्हीकल और दूसरे व्हीकल की डिस्टेंस यदि हम सैटेलाइट से मेजर कर रहे हैं, और जैसे ही आप क्लोजर आया उसने उसको स्नैप को लिया और आपको प्रोजीक्यूट कर दिया, राइट। अब जो है आपकी गाड़ी जो है तभी चलेगी जब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस उसमें स्वाप करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, वो ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपके जो ऊपर कैमरा लगा रहेगा वो ड्राइविंग लाइसेंस से आपका फोटो मिलाएगा। और यदि आपने किसी दूसरे का ड्राइविंग लाइसेंस स्वाप किया तो कहे हे यू आर नॉट दैट पर्सन, राइट। सही बात है। एंड यदि इसको हम ऑफेंस कर देते हैं कि यू हैव अटेम्प्टेड टू ड्राइव ए व्हीकल विद द फॉल्स जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस, राइट, तो वो जो है ना उसके के साथ जो है ना आपके पास चालान दे देगी, राइट। तो आपकी हिम्मत ही नहीं होगी। अभी तो आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर अटेम्प्ट करने की भी कोशिश नहीं करेंगे। अब आप ये देखिए, आपकी प्रॉब्लम है कि आप शराब पी के गाड़ी चलाते हैं इसलिए एक्सीडेंट हो रहे हैं, राइट। तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, वो कहेगी पहले पफ दो, राइट। आपने पफ दिया, उसने अल्कोहल को उसमें मेजर कर लिया, उसने एक चालान दे दिया कि साहब ही हैज अटेम्प्टेड टू ड्राइव ए व्हीकल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर। अभी आपने गाड़ी चलाई नहीं, गाड़ी बाहर ही नहीं निकली, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले आपको पनिशमेंट मिल गया, आपको पनिशमेंट मिल गया उसमें। और जो है रेवेन्यू जनरेट हो गई। नहीं नहीं, उसमें रेवेन्यू भी जनरेट हो गई ना सर। पेनल्टी लग गई, और आपको उस रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई ना तो पुलिस वाला लगाना पड़ा, ना कोई लगाना पड़ा, ऑटोमेटिक अपने अकाउंट में चली गई। अब आपकी गाड़ी चल रही है और सभी चीजें, अब गाड़ियों में जो है ना हम एक RFID लगा देंगे, एक व्हीकल की आइडेंटिटी लगा देंगे। जो गाड़ी चला रहा है उसमें वो डाटाबेस में ऑलरेडी गया हुआ है, ठीक है ना। अब उसको मालूम है ये गाड़ी ये व्यक्ति चला रहा है, राइट। क्योंकि आपकी आइडेंटिटी उसने ऑलरेडी कैप्चर कर ली कौन गाड़ी चला रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस ऑथोरिटी है, वो गाड़ी चलाएगा। करेक्ट करेक्ट। अब जो है आपने इंटर व्हीकल की डिस्टेंस आप ऊपर से सैटेलाइट से या किसी चीज से कैप्चर कर रहे हैं, राइट। तो जैसे ही आप क्लोजर रहेंगे वो आपका एक चालान जनरेट कर देगा। आपका एक्सीडेंट कैसे होगा ये बताइए ना मुझे। अच्छा, दूसरी बात है कि आपकी जो अभी ट्रैफिक का कंजेशन, आपको कोई पुलिस ही नहीं चाहिए वहां पे। क्यों?
क्योंकि आप अपनी लेन में चलोगे, लेन से आप जैसे लेन वायलेशन करोगे आपको चालान हो जाएगा, चालान हो जाएगा, राइट राइट। और वो आपको कोई नहीं, पुलिस नहीं कर रहा है तो पुलिस की च्वाइस भी नहीं चलना है उसे, आपसे जो ना कोई भ्रष्टाचार भी नहीं करना है, पैसा भी नहीं मांगना है। डू एग्री विथ मी? अब जो है आपकी गाड़ी की स्पीड हमेशा एक डेजिग्नेटेड स्पीड रहेगी, क्यों? क्योंकि आपको कोई क्रॉसिंग ही नहीं है, तो आपकी ट्रैफिक लाइट का कितना पैसा बच जाएगा, राइट। अच्छा, अब सवाल आया कि थोड़ी गाड़ी आपकी ज्यादा चली तो क्यों चिंता कर रहे हो? इथेनॉल, मेथेनॉल, सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी सब नेचर से पैदा हो रही है, तो थोड़ी ज्यादा एनर्जी लग जाएगी, क्या चिंता कर रहे हो? अभी से यूपी के पेट्रोल और डीजल थोड़ी खरीदना है। जो यूपी का संकल्प पत्र बनाया हम लोगों ने, उसमें हमने ये बोला गोबर जो है 25 रुपए किलो लेंगे, गाय पालते नहीं बच्चों को, उससे उसको लेके उससे हम वो निकालेंगे। मेरा ये कहने का मतलब है खरीदने और उसके उसके बिजनेस में मत जाइए, इसका उल्टा करना है। जहाँ पे वो पैदा हो रहा है वहीं पे उसको कन्वर्ट किया जाए और उसको जो है ना उसकी कीमत दे दी जाए, जैसे कि जो है ना होता है ना अपने जो ट्रांजेक्शन मॉडल में, तो वो बैकएंड बताएगा कि आपका गोबर कहाँ जाना है, आपको ये चिंता ही नहीं करना है कहाँ जाना है आपकी खाद। आपका फोकस तो ये रहेगा कि वो एक हाई क्वालिटी खाद हो जिसमें गोबर भी हो, पत्तियां भी हो, अर्थवर्म भी हो, माइक्रोब भी हो, एल्गे भी हो, और यदि किसी जगह की जमीन में कोई मिनरल की कमी है और वो खाद के लिए जरूरी है तो वो मिनरल भी हम मिला दें तो वो खाद उस पर्टिकुलर जमीन के लिए हो गई। तो हम ये भी डिजाइनेट कर सकते हैं कि ये इस जो ये प्लांट है ये इस एरिया के जो है ना मिट्टी के खाद के लिए जाएगा, और चूंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है ना इज बीइंग डन थ्रू द सीएफबी मॉडल, तो किसी को किसी से कुछ कहना ही नहीं है। जैसे ही आपका प्रोडक्शन रेडी हुआ एक ट्रांसपोर्ट आपका जाएगा, भर के जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा देगा, कोई किसी से पैसा नहीं मांग रहा है, वो इफिशियंसी को भी कैप्चर कर रहा है और ह्यूमिडिटी को भी कैप्चर कर रहा है, और जो जो काम कर रहा है जैसे ही वो काम कंप्लीट होता है और उसकी ह्यूमिडिटी और इफिशियंसी और क्वालिटी जैसे ही असेस कर ली जाती है उसको उसी इंस्टेंट पैसा मिल जाएगा, उसके वैलेट में उसी समय पैसा पहुंच जाएगा। तो कोई किसी से तकाजा कर रहा है, आपके सिस्टम की जितनी भी नेगेटिविटी है और वेस्टेज ऑफ एनर्जी है वो खत्म करती है। आप किसी से तकाजा ही नहीं कर रहे क्योंकि सीएफ भी आपका पेमेंट कर रहा है बैकएंड जान पे। ये उसके लिए पूरे डिस्कस करते हैं संडे को, बिल्कुल। मैं 5-6 लोगों बात करके और इसमें सोच ये होना चाहिए कि इसको ख्याली पुलाव की बजाय जमीन को उतारने के लिए क्या करना है, वो बताएंगे, उसी में हम लोग लगे हुए हैं। और दूसरी बात ये करेंगे कि कोई समस्या आएगी तो सिस्टम अपन ने बनाया है, उस समस्या का निदान उसमें जोड़ देंगे। समस्याओं से नहीं घबराना है, यदि कोई दिक्कत भी है तो चूंकि सिस्टम अपन ने बनाया है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो हम उसका निदान खोज लेंगे, है ना। चलिए रामगोपाल जी, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। नहीं नहीं नहीं, अब आपस में जो डिस्कशन करते रहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, तो तभी हम कुछ कर पाएंगे, जमीन पे उतार पाएंगे। बिल्कुल, कुछ करेंगे तो तभी होगा, जब नहीं होगा। चलिए इस प्रतिज्ञा के साथ इस वार्तालाप को अंत करते हैं, 100% हम लोग मिलकर जरूर कामयाब होंगे, होंगे होंगे, को जो है ना हेल्दी, वेल्दी और समर्थ बनाएंगे। वो तो बना नहीं है, उसी के सपने में हम जी रहे हैं। जी जी जी, स्वामी का आशीर्वाद। जी जी, थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।